सिंध फॉरेस्ट की तरफ से आज मानसवल में एक प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। ड्राइव का आगाज पीसीसीएफ जम्मू कश्मीर मोहित गेरा ने एक पेड़ लगाकर किया। इस मौके पर कंजर्वेटर फॉरेस्ट जुबेर शाह डीएफओ सिंध ओवैस अहमद मौजूद थे। इस मौके पर पीसीसीएफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ग्रीन जेएनके का आगाज किया है और इस मुहिम के तहत लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जंगलों की हिफाजत उनकी तरजीहात में शामिल है। इस दौरान जहां सिंध फॉरेस्ट डिवीजन प्लांटेशन ड्राइव की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंध रेंज के गुंद हकनार के कंपार्टमेंट नंबर 36 में गुंद पुलिस स्टेशन ने भारी मकदार में इमारती लकड़ी जब्त की। इस हवाले से एसएचओ गुंद लतीफ अली ने तफसील देते हुए बताया। दरअसल गुज़श्ता कई हफ्तों से हमें शिकायत मौसूल हो रही थी कि तहसील गुंद में यहाँ टिम्बर की स्मगलिंग होती है, तो इसी के नस्बत कल हमने एक कार्रवाई अमल में लाई जिसमें हमारे एसएसपी साहब ने हमारी उसके डायरेक्शन पे हमारी एक टीम गई एसडीपीओ कंगन जनाब सैयद यासिर कादरी की क़यादत में। तो हमने हिलपति गांव में एक मकान के अहाते से एक ह्यूज क्वांटिटी लकड़ी जो वहाँ पर छुपा कर रखी गई थी उसको हमने जब्त करके बाज़ाबता तौर मुलजिम को अरेस्ट किया है। इस ज़मन में हमने केस एफआईआर नंबर 11/2021 अंडर सेक्शन 379-26 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में लॉन्च कर दिया है। और एक अहम चीज़ है कि हमने एक अच्छी कार्रवाई बामल लाई है और ये कार्रवाई इंशाल्लाह आइंदा दिनों के लिए जरूरत इस बात की है कि महकमा जंगलात अपने स्टाफ को मुतहरिक करे ताकि जंगलात को मजीद नुकसान से बचाया जाए। गांदरवल से लाजवाल के लिए फिरोज खान के साथ मुख्तार शाह।